हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज के दिन आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आप सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कल के मार्केट में अगर हमें लॉजिकली अप्रोच करना हो तो हम कैसे करें, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हैं, कहाँ पर हम एंट्री करें और कहाँ पर हम एग्जिट करें। इन सारी बातों को हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करते हैं एंड सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो कल अगर यूएस की मार्केट को देखें तो काफ़ी स्ट्रांग नोट पे बंद हुई थी। डाउ जोन्स अराउंड 366 पॉइंट पॉजिटिव और नैसडेक अराउंड 108 पॉइंट नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव बंद हुई थी। तो यूएस के मार्केट ने कल की क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रांग नोट पे दी थी और पिछले हफ्ते भी वो स्ट्रांग था, मंडे भी ठीक था वेंडे। तो पिछले 7-8 दिन से बड़ा स्टेबल मार्केट है यूएस का। यूरोपियन मार्केट देखे तो मिक्स्ड आपको नज़र आएंगे, कुछ पॉजिटिव हल्की कुछ हल्की नेगेटिव नज़र आएंगी। तो स्ट्रांग सेंटिमेंट ही हम कह सकते हैं। यूएस के अगर हम फ्यूचर्स देखें वो भी हल्के पॉजिटिव हैं। तो ग्लोबल मार्केट के फ्रंट से सब कुछ स्टेबल है, पॉजिटिव है, कोई भी ऐसा नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो जो सेंटीमेंट है वो स्ट्रांग है। अब हमारी मार्केट ने क्या किया, अगेन एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। निफ्टी 84 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है, बैंक निफ्टी 258 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। इन दोनों क्लोजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निफ्टी ने 19,750 के ऊपर क्लोजिंग मैनेज कर ली है और बैंक निफ्टी ने 45,500 के ऊपर क्लोजिंग मैनेज कर ली है, जो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है आने वाले दिनों के लिए। तो काफ़ी स्ट्रांग नोट पे हम लोग बंद होके गए। ट्रेंड की बात करें तो उसमें तो कोई कमी है ही नहीं, इंक्रीज होता जा रहा है और जिस तरह से ट्रेंड दिख रहा है निफ्टी में, 20,000 निफ्टी में ज़्यादा दूर है नहीं, कल नहीं तो परसों, बट 20,000 एक लेवल है जो ऑन कार्ड्स है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 46,000 की तरफ तो एटलीस्ट बढ़ते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, अब अगर बात करें कि आज इंट्राडे में कहाँ पे एंट्रीज जनरेट हुई थी तो उसको देख लेते हैं। तो इंट्राडे में जो हमने लेवल्स देखे दिए थे बेसिकली हम उनके हेल्प से देखेंगे। ठीक है, तो ये इंट्राडे चार्ट है और आज 19 जुलाई थी। मार्केट हल्के गैप अप के साथ यहाँ कहीं पर ओपन हुआ था, ये आज की पहली कैंडल है और 45,500 का आपको एक लेवल दिया था मार्केट उस पे, और 13 EMA पर ही अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेट कर रहा था, घूम रहा था। तो आपकी एंट्री इसके बाद हो सकती थी EMA पर और लेवल के सपोर्ट पर 45,500 के, बुलिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल बनाई थी, सस्टेन भी कर रहा था उस जोन में, तो आप एंट्री ले सकते थे। उसके बाद 3-4 कैंडल तक मार्केट साइडवेज होती रही, फिर मोमेंटम आया। टारगेट आपका 45,750 से 800 का जोन होता जो ऑलमोस्ट अचीव हो गया था मार्केट बंद होने से पहले, एग्जैक्ट अचीव नहीं हुआ था। तो बैंक निफ्टी में ये एक एंट्री बनी थी जिसे आप ग्रैब कर सकते थे। अब अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी में कौन सी एंट्री बनी थी, तो ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी गैप अप के साथ अगेन ओपन हुई थी और उसके बाद 750 के लेवल को टेस्ट आउट करने आई, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल था इस वक्त का। तो ये था लेवल। तो एक्चुअल एंट्री जो आइडियल एंट्री होती वो तब होती जब इसने 13 EMA गेन करके सस्टेन कर लिया था, क्योंकि 750 भी गेन हो गया था, 13 EMA जो सर पे आ रहा था वो भी गेन हो गया था। तो इसके बाद आप एंट्री कर सकते थे। टारगेट आपका 800 और 900 होता, 900 तो नहीं अचीव हुआ, 850 का हाई बना के जो निफ्टी है वो क्लोज हो गई, तो डिसेंट प्रॉफिट हो जाता है नो डाउट। तो दोनों में एक एक एंट्री बनी थी बेसिकली, और अगर आप उसमें एंट्री करते तो आपको एक डिसेंट प्रॉफिट भी हो जाता। एग्जैक्ट टारगेट नहीं अचीव हुए वो अलग बात है, बट एक सिग्निफिकेंट मूव आपको मिल गई है। अब कल के मार्केट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल हैं निफ्टी के, फ्यूचर्स के नहीं है। इसमें अगर ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। डाउट आता है ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लें, तो जस्ट आउट द मनी वाली स्ट्राइक आप ले सकते हो। ठीक है, अगर जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो, अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है जैसे 13 EMA क्या होता है, डेल्टा क्या होता है नहीं पता है, तो उस पर हम एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो सपोर्ट है 19,750 और 19,474 से 500 का जोन।
रेसिस्टेंस है 900 और 20,000, ऑप्शन सेलर है 20,050 के ऊपर और पुट सेलर 19,600 के नीचे रह सकते हैं। बायर हैं आप ऑप्शंस में, तो आपके लिए ये रहे लेवल्स जिनकी हेल्प से आप लॉजिकल कल ट्रेड कर सकते हो। मैं बेटर विजुलाइजेशन के लिए एक बार चार्ट में बता देता हूँ। जैसे कि ग्लोबल मार्केट शो कर रहे हैं और जैसे कि हम लास्ट 3-15 मिनट की कैंडल में इतने स्ट्रांगली बंद हुए हैं, मैक्सिमम चांस एक फ्लैट से हल्के फुल्के गैप अप ओपनिंग का है, नो डाउट। तो सबसे पहले गैप अप के केस से ही देखते हैं। गैप अप के केस में जो सबसे स्ट्रांग लेवल लग रहा है, वैसे तो 20,000 है, बट इतना बड़ा गैप अप होने के चांसेस कम है, तो 19,900 का लेवल आ रहा है। इसके नीचे ऊपर या बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए। और सेकेंड नंबर का कॉल का ओआई भी नज़र आ रहा है 19,900 पे, सबसे ज़्यादा सेकेंड नंबर का है। तो कॉल का ओआई भी आप देख सकते हो 19,900 पे, अगर वो भी डिक्रीज होता है तो एडिट कन्विक्शन होगा, तो आप कॉल बाय कर सकते हैं। जस्ट आउट द होने वाली 20,000 आपका टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे और जो कॉल का ओआई है वो इंक्रीज हो 19,900 पे, तो एडिट कन्विक्शन होगा। जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप 800 750 रख सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट की बात हो गई, स्ट्राइक की बात हो गई, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हमारा लेवल है, इसके 50 पॉइंट्स नीचे रख लेंगे। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर रख लेंगे। ये इंडेक्स के टर्म में था। प्रीमियम के टर्म में अगर आपको जानना है तो 0.4 डेल्टा है, 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो 20 पॉइंट्स नीचे रख सकते हैं कॉल के केस में भी एंड पुट के केस में भी। तो ये बहुत ही इजी गैप अप का सिनेरियो है कल के मार्केट में, कि अगर 19,900 पे खुलती है तो एक अच्छा सेटअप बनेगा 20,000 की तरफ जाने का अगर सस्टेन करते हैं। तो ये पहला सिनेरियो था। इसके अलावा जो दूसरी पॉसिबिलिटी है फ्लैट की नज़र आ रही है। फ्लैट के केस में क्या कर सकते हैं? फ्लैट के केस में निफ्टी बंद हुई है 19,833 पे, यहाँ कहीं पे 900 आ रहा है, 19,900 का लेवल यहाँ आ रहा है और फिर इंपॉर्टेंट लेवल 750 जो यहाँ आ रहा है, बीच में खुलेगी। तो फिर 13 EMA की हेल्प से हम चीज़ें को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने लिए। तो गिर के आए, इसे ब्रेक करे और सस्टेन करे, देन इट्स अ पुट बाय टाइम 750 के टारगेट के साथ, और यहाँ पर आए बाइंग सिग्नल दे तो इट्स अ कॉल बाय टाइम, 19,900 का आपका टारगेट होगा। और अगर खुलने के बाद 850 को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तो आप 900 और 20,000 के टारगेट के साथ जस्ट आउट द मनी कॉल बाय कर सकते हैं। तो ये था फ्लैट का सिनेरियो। लास्ट सिनेरियो ऑब्वियस है हमारा, क्या है? गैप डाउन, जिसकी प्रोबेबिलिटी एकदम मिनिमम है, बट स्टिल डिस्कस कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी तो है। तो उसके लिए 19,750 का लेवल आ रहा है, जिसके ऊपर आज समहाउ क्लोजिंग मैनेज की है। इसके ऊपर बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ पुट बाय टाइम, जस्ट आउट द मनी पुट बाय करेंगे। 700 और 575 से 600 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है। 800 और 900 को आप अपना टारगेट रख सकते हो, जस्ट आउट द मनी कॉल बाय होगी। तो ये था कि कल निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो कैसे डील करना है। कल हमारी वीकली एक्सपायरी भी है। एक सजेशन मैं देना चाहूँगा कि जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं कल, क्योंकि एक्सपायरी है, टाइम डे के ऑप्शन बाइंग में बहुत तेज़ी से होता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि अगली एक्सपायरी की कॉल पुट में आप ट्रेड करें, ठीक है। अब अगर एक्सपायरी के लिहाज से एक बार ऑप्शन चेन देखें, तो आपको सबसे स्ट्रांग रेजिस्टेंस नज़र आएगा 20,000 पे, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 20,000 पे है। उसके बाद 19,900 पे है, पहले 19,800 भी थी बट आज 800 को जैसे ही ब्रेक किया तो वहाँ से डिक्रीज होने लग गई। सपोर्ट देख रहे हैं तो 19,800 पे नज़र आएगा, जो दिखा रहा है कि पुट सेलर कितने ज़्यादा एग्रेसिव है, कितनी ज़्यादा बुलिशनेस है उनमें, कि सीधे 19,800 पे आपको सबसे स्ट्रांग सपोर्ट नज़र आ रहा है और उसके बाद नज़र आ रहा है 19,700 पे। तो डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है कल के मार्केट में। मैक्सिमम चांसेस कल का मार्केट साइडवेज से लेकर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होने के चांसेस बहुत बड़े तो ना के बराबर है, हल्का फुल्का नेगेटिव हो सकता है। फ्लैट से लेकर पॉजिटिव होने के चांसेस है, जिसमें 700 से 800 का जोन एज ए सपोर्ट एक्ट करने वाला है, 900 से 20,000 का जोन एज ए रेसिस्टेंस एक्ट करने वाला है। तो 900 से 20,000 का जोन रेसिस्टेंस है, 700 से 800 का जोन सपोर्ट है, इसके इन बिटवीन कहीं एक्सपायरी हो सकती है। सस्पेंस लेवल एक्सपायरी का 20,000 ही होगा, एक्सपायरी और अगर 20,000 को टेस्ट आउट करती है तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपायरी। जो कॉल सेलर्स होंगे अगेन वो ट्रैप होंगे,
सस्पेंस लेवल 20,000 का होगा, बाकी फ्लैट से लेकर पॉजिटिव मार्केट के चांसेस हैं, और 700 से 800 के जोन के ऊपर और 900 से 20,000 के जोन के नीचे इसमें कहीं एक्सपायरी होने के चांसेस रहेंगे। तो ज़्यादा कोई ब्लास्टिंग एक्सपायरी नॉट एक्सपेक्टेड, एक साइडवेज सी एक्सपायरी एक्सपेक्टेड, जिसमें 100 से 150 पॉइंट की मूव ज़्यादा से ज़्यादा आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये निफ्टी की थी डिस्कशन निफ्टी के बारे में, ऑब्वियस है। अब हम बैंक निफ्टी पे चलते हैं। सपोर्ट है 44,950 से 45,000, 45,500। रेसिस्टेंस है 45,750 से 45,800 और 46,000। ऑप्शन सेलर है तो 46,200 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, पुट सेलर है तो 44,900 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे। बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ। अगेन गैप अप से लेकर फ्लैट के चांसेस ज़्यादा हैं, तो गैप अप से देख लेते हैं। गैप अप के केस में अगर आप देखोगे तो 750 से 800 का जोन आ रहा है, इसके बीच में ऊपर या बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ कॉल बाय टाइम। आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे, टारगेट आपका 46 होगा। और क्लोजिंग अगर नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ पुट बाय टाइम। 45,500 के टारगेट के साथ आप पुट बाय करेंगे और सेकेंड टारगेट 250 से 200 का जोन हो जाएगा। स्ट्राइक की बात हुई, टारगेट की बात हुई, स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म्स में बात करें तो 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं आप कॉल में भी एंड पुट में भी। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप हो तो उसको कल कैसे डील करना है बैंक निफ्टी को। अब चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 45,660 समथिंग पे, यहीं कहीं पे ओपन होना। अगर यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो सर पे ये जोन आ रहा है और नीचे 500 का लेवल आ रहा है, तो एकदम बीच में खुलेगी। बस फिर भी इसके हल्के से नीचे से EMA जा रहा होगा, 13 EMA, तो इसकी हेल्प से आप रिफाइन कर सकते हो एंट्रीज को। इसको ब्रेक करके सस्टेन करे तो पुट बाय, 45,500 टारगेट, और इस पर बाइंग सिग्नल बनाए तो कॉल बाय, टारगेट 750 से 800 का जोन हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है गैप डाउन। गैप डाउन के केस में जो लेवल आ रहा है वो 45,500 का आ रहा है, इसके ऊपर बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ पुट बाय टाइम। 250 से 200 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा, और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है। 750 से 800 का जोन फर्स्ट और 46,000 आपका सेकेंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था बैंक निफ्टी के बारे में। अगेन ट्राई कीजिए, अगर आप ऑप्शन बाय रहे तो अगले एक्सपायरी के ऑप्शंस में ट्रेड करें, टाइम वैल्यू डिके कम होगा। बैंक निफ्टी के अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो सबसे ज़्यादा जो कॉल सेलर्स नज़र आएंगे ऑब्वियस है, 46 पे नज़र आएंगे, उसके बाद 45,800 पे नज़र आएंगे और 45,700 पे नज़र आएंगे। तो ये एज अ रेसिस्टेंस एक्ट करेगा। अगेन इसमें भी पुट सेलर काफ़ी अग्रेसिव है, 45,500 पे आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो एक्सपायरी 45,500 से 46 के बीच में कहीं होनी चाहिए, और अगेन सस्पेंस लेवल 46 ही होना चाहिए। एक्सपायरी वाले दिन अगर 46 को टेस्ट आउट करता है तो इट्स अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग एक्सपायरी, कॉल सेलर अगेन ट्रैप हो सकते हैं। और नीचे का सस्पेंस लेवल 45,500 हो सकता है, एक्सपायरी इसके इन बिटवीन कहीं होनी चाहिए। बाकी 700-800 पे भी एक डिसेंट कॉल सेलर बैठे हुए हैं, अगर मॉर्निंग में गैप अप के बाद ये हट जाते हैं तो आप शिफ्ट कर सकते हो 45,700 से 46, 45,700 750 से 46 के बीच में कहीं एक्सपायरी हो सकती है। तो ऐसी कोई ब्लास्टिंग एक्सपायरी नॉट एक्सपेक्टेड, हल्की साइडवेज से लेकर पॉजिटिव एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है। अब चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 250, 110 से 150 का जोन, 400 से 420 का जोन, रेजिस्टेंस और 500 रेजिस्टेंस है। ऑप्शन सेलर हैं तो 20,850 के ऊपर वाली कॉल सेल, 19,750 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे। तो ये था हमारा डिस्कशन कल के मार्केट के रिगार्डिंग। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन आपकी कल ज़रूर हेल्प करेगा कुछ फ्रूटफुल ट्रेड लेने में, लॉजिकल ट्रेड करने में। अगर सच में ऐसा कर भी रहा है पास्ट में भी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको उसका पता चल सके, आपको सीख सको और मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ। एक ज़रूरी चीज़ जो हमेशा मैं कहता हूँ, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं विद लॉजिक कीजिए,
लॉजिक होगा तो सक्सेस के चांसेस 100% तो नहीं होते, बट मैक्सिमम हो जाते हैं। और अपने हार्ड एंड मनी लगाने जा रहे हैं तो अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिए, अपने पैसों का अपने से अच्छा डिसीजन कोई भी नहीं ले सकता। तो इसी विश के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, आज के डिस्कशन को यहाँ पे एंड करते हैं। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।